किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान में BLV रोग के बारे में। BLV क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, आप इसका नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। उससे पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दें। किसान भाइयों, धान में BLV रोग 2-3 सालों से बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। कुछ किसान भाई इसे पत्ती झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं। BLV मतलब बैक्टीरियल लिप ब्लाइट। इस रोग में बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो धान के पत्तों को सुखा देते हैं। BLV रोग हमारी धान की फसल में लगने का मुख्य कारण है अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करना, इस कारण भी BLV रोग लग जाता है। अगर आपके खेत में लंबे समय से पानी भरा है उससे भी BLV रोग आपकी धान में लग सकता है। अब बात करते हैं, अगर हमारी धान में BLV रोग लग जाता है तो उसकी पहचान कैसे करें कि ये BLV रोग ही है या फिर कोई दूसरा रोग है। BLV रोग जब धान की फसलों में लगना शुरू हो जाता है तब धान की पत्तियों की ऊपरी नोक पीली दिखने लगती है और धीरे धीरे पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ पीली होने लगती हैं और फिर पत्तियां सूख जाती हैं। किसान भाइयों, अगर ये रोग अधिक फैल जाता है तो ये हमारा उत्पादन 30-50% तक कम कर सकता है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में BLV रोग लग जाता है तो जहाँ ये रोग लगा है वहाँ ना जाएं। अगर आप BLV रोग लगी धान के संपर्क में आएंगे तो BLV रोग वाले जीवाणु आपके द्वारा अच्छी धान की फसल में लग जाएंगे। इसलिए स्प्रे करते समय ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ BLV रोग लगा हो वहाँ ना जाएं, दूर से ही स्प्रे करें। अगर आपको जहाँ BLV रोग लगा है वहीं अंदर जाके स्प्रे करना है तो आप स्प्रे करके अपने कपड़े और पंप दोनों धो लें। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम कैसे करें। इसके लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 12 ग्राम प्रति एकड़ देना है, उसके साथ हमें देना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, ये 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। ये दवा बैक्टीरियल लिप ब्लाइट पर अच्छा कंट्रोल करती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।